इस बार लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति दिख रही है आपको? इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। चूंकि मैं वार्ड नंबर 15 का पार्षद हूं और भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूं, और मैं रेगुलर घूम के देखा हूं कि हमारे बसना ही नहीं अपितु पूरी लोकसभा में, पूरे महासमुंद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आराम से विजय श्री को प्राप्त कर रही है। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कुछ भी नहीं है। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी देखी गई थी कि 65+ की नजर आकलन की हुई थी, लेकिन 15 में ही सिमट गई। इस पर वो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के भोले भाले मतदाता जो उनके घोषणा पत्र में आ गए, इसलिए उसका थोड़ा और इनकम्बेंसी रहती उसकी 15 साल का जो था उसकी वजह से हुआ था। लेकिन लोकसभा अलग है, लोकसभा में श्री मोदी जी के नाम से चुनाव वोट मिल रहे हैं, इसलिए एक तरफा मोदी जी की जीत हो रही है इस बार, कोई शक नहीं है इसमें। क्या व्यवस्था देखी गई यहाँ की आज? यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, ट्राइसिकल है, और इन बुजुर्ग और महिलाओं को जाने में कोई समस्या नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से इन लोगों की व्यवस्था है और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी भी, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं अधिकारी, थैंक यू। क्या स्थिति लग रही है सर आपको महासमुंद लोकसभा? हमारे महासमुंद लोकसभा से माननीय धनेन्द्र साहू जी कम से कम 2 लाख वोटों से विजयी होंगे। और किस क्या उम्मीद लग रही है 11 लोकसभा में? 11 लोकसभा में हम चाह रहे हैं कि 10 सीट कम से कम कांग्रेस की आएगी। और यहाँ की आज क्या रही है व्यवस्था? यहाँ पर व्यवस्था शासन के द्वारा तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, परंतु आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा चीट का वितरण नहीं किया गया सभी वार्डों में। देखा गया कि उन्होंने जब यहाँ आए मतदाता आया तो उनको आधार कार्ड और वोटर आईडी लाने के लिए बोला गया, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई थी वार्डवासियों को। इससे मत प्रतिशत मेरे को कम होने की संभावना है। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में देखा गया कांग्रेस पार्टी, क्या उस प्रकार राज्य चुनाव में जब देखा जाए? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने जो कर्जा माफी किया है और 2500 रुपया धान किया है, आज पूरे विश्व में पहला प्रदेश ऐसा छत्तीसगढ़ बना है जहाँ 2500 रुपया धान लिया जा रहा है। इससे किसानों में विशेष उत्साह है और सभी लोगों का वोट 100% कांग्रेस के पक्ष में गिरने वाला है। लोकसभा में किसकी उम्मीद लग रही है? 101% धनेन्द्र साहू जी। और क्या उम्मीद है अगले, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर? 8 सीटों पर कम से कम 8 सीट तो हमारी आएगी। क्योंकि अभी हमारी केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से हमारे बहुत सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और जिस प्रकार अभी कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र में जो सुनवाई की है, क्या उस प्रकार पूरा जो भी है पूरा घोषणा पत्र के अनुसार काम हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हमारे जैसे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे ने घोषणा की थी माननीय भूपेश बघेल जी ने, उसे अक्षर तक पूरा किया है, वैसे बिल्कुल केंद्र में भी पूरी जितनी भी घोषणाएं पूरी की गई हैं अक्षर तक पूरी होगी।